हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, स्वरा भास्कर की शादी की रस्में दिल्ली में हुई, जहां उनके माता पिता का घर है। स्वरा ने समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद के साथ शादी की। अब स्वरा की विदाई का भी एक वीडियो सामने आया है। विदाई के मौके पर स्वरा ने पिंक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लहंगा पहना। उनके एक तरफ उनकी मां इरा भास्कर और दूसरी तरफ उनके पति फहाद खड़े दिखे। शादी के बाद वह घर से रवाना होने के लिए अपने घर से बाहर खड़ी और आसपास उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। वीडियो में एक आदमी कविता की कुछ लाइनें पढ़ते, इस दौरान स्वरा भास्कर खुद को रोक नहीं पाती और वो रोने लगते। उनके पास उनकी माँ भी रोते हुए दिखती है। स्वरा की दोस्त ने वीडियो शेयर कर लिखा, अपनी बेस्ट फ्रेंड की विदाई हमारे लिए एक भावुक पल। सख्त आदमी इंसान भास्कर उर्फ अबू ने इसी वजह से चश्मा लगाया और उदय भास्कर ने फ्रेम से बाहर रहने का फैसला किया। वीडियो पर स्वरा के पिता उदय भास्कर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस पल को शेयर करने के लिए शुक्रिया। स्वरा की शादी में करीबी लोग पहुंचे। हाँ, इस फ्रेम से मैंने दूर रहने का फैसला किया, इमोशन से भरा हुआ था ये पल। यहाँ तक कि खड़ूस डैड के लिए बहुत ही इमोशनल पल था। बता दें कि शनिवार को स्वरा की विदाई की रस्में हुई। वह देर रात अपने ससुराल बरेली पहुंची थी। ससुराल में स्वरा भास्कर का जोरों शोरों से स्वागत हुआ। फहाद अहमद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं।